हमारा पड़ोसी कंगाल हो चुका है, ये बात कहने में तो अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अगर पड़ोसी पाकिस्तान जैसा हो तो पाकिस्तान की वो पाव आध पाव के बम की धमकी तो आपको याद ही होगी। हिंदुस्तान ये याद रखे, हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है। इमरान खान की यूएन में दी हुई परमाणु युद्ध की वो गीदड़ भभकी भी, मगर भारत की चाल के आगे नहीं गल पाई उसकी दाल। भारत से दुश्मनी पाकिस्तान को इतनी महंगी पड़ी कि अब हालात कंगाली तक पहुंच चुके हैं। इमरान खान को जो फैसले लेने पड़ रहे हैं उन्हीं से आपको अंदाजा लग जाएगा कि वहां हालात कैसे हैं। आलम यह है कि पाकिस्तान सरकार को अब विदेशों में रखी अपनी सरकारी संपत्तियों को बेचकर देश की अर्थव्यवस्था चलानी पड़ रही है। पाकिस्तान का पूरा खजाना खाली हो चुका है और अब उसे अपनी जमा पूंजी बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए उसे कभी दुबई, सऊदी अरब तो कभी अपने सरपरस्त चीन से कर्ज लेना पड़ रहा है। उसे एक बड़ी रकम विदेशों से लिए कर्ज के ब्याज के तौर पर चुकानी पड़ती है। वहां महंगाई दर काफी बढ़ चुकी है, बेरोजगारी से हाल बेहाल है और FATF द्वारा ब्लैकलिस्ट होने का खतरा भी मंडरा रहा है। IMF से कर्ज लेने के बाद तो हालात और ज्यादा खराब हैं, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान सरकार को जनता पर कई तरह के टैक्स थोपने पड़े हैं। ऐसे में इमरान खान के पास एक ही चारा बचा है, विदेशों में रखी अपनी संपत्ति को बेच दें। क्यों भाई पाकिस्तान, अब जरा आपसे पूछें क्या कि आपके पास कितने पाव आत पाव के बम हैं?